किस तरीके से है, क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। और पर्यटन निदेशालय की पहली झांकी, विभाग की झांकी देखिए। ये झांकी में नशा मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया गया, नशा मुक्त। पटना के गांधी मैदान में झांकियों का अवलोकन, विभिन्न विभागों की 13 झांकियां निकली हैं। हम आपको सीधे लिए चलते हैं झांकियों के अवलोकन में, जहां विभिन्न विभाग देखिए झांकी निकलना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सभी बड़े वीवीआईपी झांकी का अवलोकन कर रहे हैं और झांकियां निकल रही हैं धीरे धीरे। पहली झांकियां जो है वो पर्यटन विभाग की झांकी है। पर्यटन विभाग की झांकी में क्या क्या है, किस तरीके से है क्या है, यह हम आपको बता रहे हैं। और पर्यटन विभाग की जो झांकियां हैं वो पहली झांकी है। इसमें राज्य सरकार ने जो पर्यटन को लेके जो कई कामों को किया, कई कार्य किए हैं, खास करके नालंदा, राजगीर, गया, कई जगह बड़े बड़े काम हुए हैं पर्यटन को लेके, वो झांकी है। उसको अब धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है और वो झांकियां अब पहली झांकी पर्यटन की गुजर रही। देखिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, राज्य सरकार के द्वारा किए गए कई कामों को इन झांकियों में दर्शाया गया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, खूबसूरत झांकी है, बहुत अच्छा झांकी। दूसरी झांकी पर्यटन निदेशालय की पहली झांकी है। ये पहली झांकी निकल गई, समाज कल्याण विभाग की है, ICDC की झांकी, महिला बाल विकास निगम की, सखी वन स्टॉप सेंटर, यह बिहार सरकार की योजना है सखी वन स्टॉप सेंटर। और इसी योजना का कह सकते हैं कि यहाँ वर्णन विवरण किया गया है झांकी में। और ये झांकियाँ निकल रही हैं, देखिए किस तरीके से है। सखी वन स्टॉप समाज कल्याण विभाग का एक कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम को इसमें दिखाया गया। महिला हेल्पलाइन 181 महिला हेल्पलाइन है 24/7 ये चालू रहा। दूसरी झांकी ICDC महिला समाज कल्याण, तीसरी झांकी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपके सामने है ये नज़ारा गांधी मैदान के झांकी का है, मद्य निषेध विभाग की झांकी। देखिए एक झांकी में नशा मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया गया, नशा मुक्त बिहार बनाने का संकल्प है इस झांकी में। शिकायत टोल फ्री नंबर बताया गया है 15545-1800-345-6268, 0612-350-9898-9473-00-62। तीसरी झांकी मध्य से विभाग की है, संकल्प बिहार को नशा मुक्त बना। चौथी झांकी कृषि विभाग की, ये नज़ारा है कृषि विभाग के झांकी का, कृषि के क्षेत्रों में कई काम किया गया, उन कामों के बारे में बताया गया है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट कृषि रोड मैप के बारे में बताया गया, पूरा विवरण कृषि रोड मैप को लेकर किया गया। और पांचवी झांकी है उद्योग विभाग की झांकी, इन्वेस्ट बिहार, भारत सरकार का संकल्प है
कि राज्य में उद्योग विभाग का विकास हो, इन्वेस्ट बिहार, नया बिहार, नया युग, इसी थीम के साथ ये झांकी बनाई गई है। इस झांकी को भी आपने गौर से देखा, खादी ग्राम उद्योग को किस तरीके से मजबूती प्राप्त करना वो है। इसके साथ साथ इसके पीछे जो झांकी जीविका की झांकी है, जीविका की झांकी है, ग्रामीण विकास विभाग की झांकी, ये झांकी अपने आप में ये बताती है कि गांव में कैसे जीविका काम करती हैं, किस तरीके से जीविका दीदी गांव में काम कर पाती हैं। ये झांकियां हैं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये झांकी बनाई गई। किस तरीके से जीविका काम करती है, उसके बाद जो झांकी वो कला संस्कृति विभाग की झांकी, कला के क्षेत्रों में बिहार में क्या काम हो रहा है, किस तरीके से खेल कूद के साथ साथ स्टेडियम का विकास हो रहा है, ये सभी झांकियों में बताया गया है। कला संस्कृति विभाग की जाके बिहार विरासत विकास समिति पुरानी शैल चित्रकला ये बनाई गई है, आप देख सकते हैं किस तरीके से है। नीतीश कुमार निकलते हैं तब ना डीजीपी निकलेंगे जी। उसके बाद जो झांकी हम आपको दिखा रहे हैं अब जो झांकी आ रही है हम आपको उसका अवलोकन करा देते हैं, उसके बारे में विशेष बताएंगे। ये झांकी तेरह विभागों की इस बार झांकियां निकली बिहार में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। बिहार राज्य परियोजना परिषद की झांकी है, इन झांकियों में विद्यालय शिक्षा विभाग की है, कैसे काम हो रहा है, खास करके हाल के दिनों में जो सुधार हुआ है उन सुधारों को लेकर बताया गया है। शिक्षा विभाग की झांकी पढ़ाई लिखाई को लेकर एक मैसेज दिया गया। अब जो झांकियां हैं पशुपालन, पशुपालन के क्षेत्र में सरकार ने क्या काम किया है इसको लेकर के पूरी विवरण बताई गई है। पशु मत्स्य सिद्धांत विभाग के द्वारा वन हेल्थ वन वर्ल्ड, किस तरीके से पशुओं को संरक्षित करने का, उनके लिए काम करने का एक कह सकते हैं कि बताया गया है और बनाए बताया गया, ये हम आपको दिखा रहे हैं पशुपालन विभाग की झांकी। उसके पीछे जो झांकी है वो झांकी पटना नगर निगम की झांकी, नगर निगम किस तरीके से काम कर रहा है, हाल के दिनों में कई बड़ी मशीनें खरीदी गई हैं, पटना को डूबने से बचाने, बिहार में जल जमाव न हो इसको लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हैं, और पटना नगर निगम के द्वारा ये बताया गया डर के आगे जीते मुझे भी सांस लेने दो, चकाचक पटना ये थीम है। उसके बाद जो झांकी है वो झांकी जलवायु वन पर्यावरण विभाग की है, शेरों के भेष में ये देख सकते हैं किस तरीके से हैं, बहुत अच्छी झांकी है, ये अद्भुत झांकी बनाया गया है, ये अपने आप में पहली बार जल पर्यावरण विभाग की है झांकी, बहुत अच्छी झांकी है, खूबसूरत झांकी है, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत झांकी है।
बहुत खूबसूरत झांकी है, झांकी है और सूचना जनसंपर्क विभाग की जो झांकी है उसका भी हम आपको नजारा दिखा देते हैं। सूचना जनसंपर्क विभाग की झांकी है, राजगीर मलमास मेला किस तरीके से राजगीर में मलमास मेला चल रहा है उसको लेकर के विवरण बताया गया है। सूचना जनसंपर्क विभाग किस तरह से लोगों के बीच सूचना पहुंचाने का काम कर रहा है उसको लेकर के किया जा रहा है और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मत्स्य बहुत सारे श्रद्धालुओं के लिए काम किए जा रहे हैं। और अब जो सबसे अंतिम झांकी है वो झांकी मत्स्य विभाग की, मत्स्य उत्पादन के विभाग की झांकी है। इसमें मछली पालन को लेकर राज्य सरकार क्या क्या कर रही है इसको लेकर के पूरा विवरण बताया गया है। ये देखिए जाल फेंका जा रहा है और जाल से फिर निकाला जा रहा है, ये पूरी कवायद की जा रही है। और ये झांकियों जो है 13 झांकियां इस बार हैं, जो 13 झांकियां पटना के गांधी मैदान में सभी 13 झांकियां निकल गई हैं। और ये नज़ारा है, ये नज़ारा है झांकियों का, हम आपने दिखाया। अब देखना है कि झांकियों का अवलोकन खत्म हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ सभी वीवीआईपी लोगों ने झांकियों का अवलोकन कर लिया है और कहा यही जा सकता है कि कहीं ना कहीं सभी झांकियां अपने अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचे। एक बार फिर हम आपको दिखा दें 13 झांकियों झांकियां निकाली गई, कई विभागों की झांकियां थी जिसमें एक अलग अद्भुत झांकियां वो थी, वो जल पर्यावरण वन पर्यावरण विभाग की झांकी थी, शिक्षा विभाग की झांकी थी,